टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। तो बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में। जो हमारा फोकस एरिया होगा वो न्यूक्लियस होगा। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये जो बीच का पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि सेंटर पार्ट ऑफ एटम है। और जो आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये है ऑर्बिट है। तो हमारा फोकस न्यूक्लियस के बारे में है। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस दो चीज़ से बना है। देखते हैं किस चीज़ से बना है। एक प्रोटॉन से बना है, दूसरा न्यूट्रॉन से बना है। तो न्यूक्लियस में दो चीज़ प्रेजेंट होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और दोनों को एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। फिर आप देखते हैं कि सब पे चार्ज क्या है, मास क्या है। तो उससे डिसाइड करेंगे अपने न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है। तो वैसे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसका जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये कूलम चार्ज का यूनिट है। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या है, ये चार्जलेस है, इस पे जीरो चार्ज होता है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उस पे सेम चार्ज की वैल्यू सेम होती है, डिफरेंस सिर्फ साइन में होता है। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये वैल्यू याद करनी है क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है। मास ऑफ प्रोटॉन देखते हैं कितना है, 1.672 × 10⁻²⁷ केजी में प्रोटॉन का मास ये होता है। और इसको ये लिख सकते हैं 1 AMU, ए मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हम बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। अगर पूछा जाए एटॉमिक मास यूनिट में तो 1 बोलोगे, और ऐसे केजी में पूछा जाए तो ये नंबर है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 × 10⁻²⁷ केजी। तो एग्जैक्टली सेम होता है पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है वैल्यू में, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 1 AMU। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻³⁹ केजी। तो यहाँ पे आप दो वैल्यू याद कर, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ना, ओनली फोकस हमारा न्यूक्लियस पे करना है। और न्यूक्लियस पे करना है मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे करना है। तो जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन चार्जलेस है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में। तो अब देखते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ये सब वैल्यू इसलिए लिखी है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये यूज होता है, और आपको पता होना चाहिए कि क्या मास है, क्या चार्ज है। तो इस पे हम और भी कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि वाई एटम, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता है। तो देखते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है अभी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 10⁻¹⁵ मीटर। मतलब क्या है, ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस। अब रेडियस ऑफ आउटर स्पीयर मतलब क्या, यहाँ से लेके आपके आउटर स्पीयर तक जो डिस्टेंस होता है वो लिखेंगे क्या है, 10⁻¹⁰ मीटर। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ आउटर स्पीयर। कितना छोटा है आगे देखते हैं। देखते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना छोटा है रेडियस ऑफ आउटर स्पीयर से। ये चेक करने के लिए हम रेशो लेते हैं, बड़े से छोटे का रेशो लेते हैं, फिर पता करते हैं कितना आपका न्यूक्लियस का रेडियस छोटा है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ आउटर स्पीयर, मैंने आउटर स्पीयर ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि 10⁻⁻⁹ बड़ा होता है या 10⁻⁵ बड़ा होता है। तो 10⁻⁻⁹ बड़ा होता है और 10⁻⁵ छोटा होता है। तो बड़े से छोटे का रेशो लेते हैं। फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है यहाँ पे, 10⁻⁻⁰, 10⁻⁵. तो ये नीचे होता है, नीचे की टर्म जब ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है।
इंटू 10 रेस टू पॉजिटिव होगा 15 होगा। फिर यहाँ पे सेम बेस है और इंटू की साइन है, इसीलिए हम इनका क्या करेंगे, पावर की एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 10 to the power 5, और यहाँ पे डिस्टेंस है इसीलिए मीटर। तो अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अब ये यहाँ पे डिवाइड है, ये चला जाएगा इंटू में, तो रेडियस ऑफ आउटर स्पीयर इज 10 to the power 5 मीटर टाइम्स, ये डिवाइड में था, जब इस साइड जाएगा तो इनटू हो जाएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ से देखो रिलेशन निकल गया है कि जो आपका आउटर स्पीयर है उसका रेडियस 10 to the power 5 टाइम्स ग्रेटर है किसके, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि कौन किससे बड़ा है और कितना बड़ा है। तो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है वो कितना छोटा है, 1 लाख छोटा है आपके आउटर स्पीयर रेडियस से। तो अभी हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू आर नॉट ए बाय 1/3। ये इस फॉर्मूले से हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो आर नॉट है ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ओके, ए बोल सकते हैं मास नंबर। तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, जब भी कोई भी आपको चीज दी है उसकी लेंथ का जब हम क्यूब करते हैं तो उसका वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का रेडियस क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये आर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर सकते हो ना। तो वी इक्वल्स टू आर नॉट ए बाय 1/3, ये होल क्यूब है, होल क्यूब कर दो, ओके। उसके बाद से ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, जब हम इसको निकालते हैं तो ये इक्वल टू की साइन प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लाते हैं तो ये आर नॉट निकाल दोगे, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a बाय 1/3 क्यूब, ओके। तो ये 3/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 1/3 है और ये इनटू में है तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, मतलब वॉल्यूम ऑफ मास इसका कितना है, जितना उसका मास है, ओके, जितना उसका मास है उतना ही आपके न्यूक्लियस का वॉल्यूम है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, और एक ये रिलेशन। तो अभी तक आपने देख लिया कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस दो चीज से बना हुआ है, एक प्रोटॉन से बना है, एक न्यूट्रॉन से बना है, और इन दोनों को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। और उसके बाद से हमने देख लिया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपका 10 to the power 5 टाइम्स छोटा है आउटर स्पीयर रेडियस से। उसके बाद से हमने रेडियस का रिलेशन देख लिया और वॉल्यूम का भी रिलेशन देख लिया। तो मतलब हमने लगभग न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब हम देखते हैं कि एटम के बारे में, तो पूरा आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बात याद रखना कि आपका जो होल एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और उसके अंदर हमको पता है कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात न्यूक्लियस के बारे में, जो भी एटम का एंटायर मास होता है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ऐसा क्यों, देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ kg, और प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन को p से डिनोट कर रही हूँ, 1.672 × 10⁻²⁷ kg होता है। तो अगर आपको देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए न्यूक्लियस का जो भी एंटायर मास ऑफ एटम है वो न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ऐसा कैसे, तो क्या करना है, बड़े से छोटे का रेशो लेना है, देखना है कितना छोटा है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख रहे हो ये -27 है, -31 है, तो आपका मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन से। तो उनका जब हम रेशो लेंगे, जैसे कि रेडियस का किया है, सेम ऐसे ही करना है, 2 × 10⁻²⁷, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना 9.1 × 10⁻³¹ kg। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 183
7 ओके ये आंसर आएगा, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन का मास छोटा है, ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल है, उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मास इज 1/137 मास ऑफ प्रोटॉन। इस तरह से आप ये बता सकते हो क्यों जो भी मास है एटम का वो न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसिडर ही नहीं करते, प्रोटॉन का मास कंसिडर करते, प्रोटॉन किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लियस पे सारा जो मास होता है वो न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के बारे में वॉल्यूम, रेडियस, उसका नेचर क्या है, उसका चार्ज क्या है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स, ओके, न्यूक्लाइड्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और न्यूक्लाइड्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग आपने एलिमेंट के लिए हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लाइड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स। तो एक्स यहाँ पे, जेड यहाँ पे, ए, तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं इन टर्म का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो एक्स हो जाएगा आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। जेड हो जाएगा एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके। यहाँ पे ए हो जाएगा मास नंबर, यहाँ पे ए मतलब एटॉमिक मास नंबर कंसीडर नहीं करना है, ये मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। वो कैसे डिफरेंट होता है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, पर यहाँ पे ये बात याद रख लो कि ये मास नंबर आपका एटॉमिक मास नंबर नहीं है। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा या एटॉमिक नंबर, उसको डिनोट जेड से करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही यहाँ पे दिमाग में लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कुछ हमें करना नहीं है। इसके पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि आप निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मास नंबर इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, तो यहाँ पे एन जो है वो है न्यूट्रॉन है। मास नंबर क्या करोगे, जब एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करोगे तो आपका मास नंबर निकल जाएगा। तो वैसे ही अगर आपको मास नंबर दिया है और एटॉमिक नंबर दिया है तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, एन को इधर ही रखना है इक्वल्स टू ए, जेड इधर जाएगा माइनस आ जाएगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस तरह से आप निकाल सकते हो मास नंबर। तो मास नंबर ये फॉर्मूला याद रखना कि मास नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर पूछेंगे मास नंबर क्या है तो समेशन ऑफ मास एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को अगर आपको निकालना है तो मास नंबर से माइनस करना है एटॉमिक। तो यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पे ये जो ए है वो क्या है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन है ना, और एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जैसा कि प्रीवियस मैंने बताया है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, तो मास नंबर को हम बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। जितना न्यूक्लियर जितना मास नंबर होगा वही आपका न्यूक्लियॉन्स होगा, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियॉन्स को एन से डिनोट करते तो उसका भी फॉर्मूला यही आएगा। तो बोल सकते हैं ये दोनों सेम है। तो किसने पूछा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताओ, तो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी ने बोला मास नंबर बताओ तो सेम बताना है कि एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, और ये भी बोल सकते हो मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि निकालते हैं, डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन देखते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंने। तो बोरॉन हो गया यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जेड हो गया 5 और एटॉमिक मास जो मास है नंबर वो 10 है यहाँ पे। तो इस तरह से देख रहे हो कि रिप्रेजेंट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। अब निकालते हैं हम इसका मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालते हैं। तो
तो यहाँ पे नीचे वाली टर्म जो होती है वो जेड होती है, जो कि होती है एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो डायरेक्टली आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद से जो ऊपर वाली टर्म होती है उसको मास नंबर बोलते हैं, डिनोट किसे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, वो हो गया 10। अगर आपको निकालना है न्यूट्रॉन तो उनका क्या करना है, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना है। तो न्यूट्रॉन को डिनोट हम कैपिटल एन से करते हैं, तो ए माइनस जेड जो आएगा आपका 10 - 5 = 5। तो आपका जो न्यूट्रॉन आया है वो 5 हुआ है। और न्यूक्लियॉन्स का फॉर्मूला जो पीछे मैंने बताया है वो, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड से डिनोट करते हैं, जेड प्लस यहाँ पे कैपिटल एन आएगा। तो यहाँ पे जेड क्या है, 5 है, और न्यूट्रॉन क्या है, 5 है। तो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या आ गया, 10 आ गया। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्लस मास नंबर सेम है, तो आपको न्यूक्लियॉन्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मास नंबर है वही आपका न्यूक्लियॉन्स आएगा। सिर्फ आपको जो कैलकुलेट करना है वो न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट करना है। वो कैसे काउंट करना है, इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जेड क्या है, नीचे वाली टर्म 6, ऊपर वाला मास नंबर 12, न्यूट्रॉन निकालना है आपको। तो नीचे वाले टर्म से ऊपर वाले को माइनस कर, ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले को माइनस करना है, 12 - 6 न्यूट्रॉन 6। अगर किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है तो 12 आएगा 6, क्यों, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ समेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 6 + 6 12 आएगा। यहाँ पे देखते हैं तो इस वाले एग्जाम्पल को, Z आएगा आपका नीचे वाली टर्म 14, A आएगा 28, और अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले को माइनस करना है, 28 - 14 आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आया है। अगर पूछा है कि न्यूक्लियॉन्स क्या है तो ऊपर वाला ही नंबर बता देना, 28, और ये आपको यहाँ पे प्लस कर सकते हो, न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।